जी आया बायना बहू रानी जी का करवा चौथ का। केले हैं दीक्षा, फाइव स्टार चॉकलेट आई है बायने में, फाइव स्टार चॉकलेट। तुम्हारी वो करी है देख, भाऊ को पता है कि हाँ भाई चाची जी की फेवरेट है, एक मेरी एक आपकी। डब्बा फूल क्या है? ओए होए ड्राई फ्रूट मजे आ गए। ये तेरे खाने के लिए आए हैं मुझे, तो मेरी तो भाभी लगी, मैं तो खा सकती हूँ, मैं तो नंद हो गई। तू ही ले लेती फिर बायना, नंद कुआरी नंद। अब ये बहू की जगह पैर कौन छुएगा मेरे, जो बायना आए हैं। कहाँ है बहू? आजकल व्हाट्सएप पे ऐसे पैर छूने वाले, भाभी जरा इमोजी भेज दो पैर छूने वाले अपनी चाची को। तो फ्रेंड्स ये आ गया बायना करवा चौथ का। काजू मैं खा रही हूँ, किशमिश आपकी फेवरेट है, किशमिश आप खा लो, बादाम पापा खाएंगे। गिरा देख तेरे, मेरी नियत पड़ेगी तेरे उस पे। चॉकलेट तो नहीं ली तूने मेरी, देख नियत खराब। ले क्लिप नहीं थी ना, आ गई एक क्लिप मेरे फोन में, सुबह से एक व्लॉग नहीं बनाया। हो चुकी है फ्रेंड्स ये, अपना दो दिन बाद भी मैं अपना फेवरेट बैठा टेडी मेडी आडी पतली बिल्कुल बिल्कुल कुरकुरी वाली पूरी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो पिलपिली पूरियाँ होती हैं वो मेरे से नहीं खाई जाती, और एज़ यूजल मेरा लच्छा, तो ये मेरा फेवरेट खाना। कल ही खाती मैं, लेकिन कल मुझे जाना था तो मैं खा नहीं पाई। और ये जोत मैंने बना के रख दी है, धनिया मैंने पीस के डाल दिया है, हल्का सा गर्म करके मैं धनिया डालती हूँ, इसलिए मैंने खुला छोड़ दिया कि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, इंजॉय। तो चलिए चलिए चलिए, चाय बन गई। तेरे तरह थोड़ा इधर मटकू उधर मटकू, 25 नखरे दिखाऊं चाय बनाने में, माँ में माँ। एक बार में चलो निपटा, और मैं बेटी हूँ बेटी, माँ माँ ही होती है। तेरी जैसी बेटी अगर मेरी माँ के होती ना, हाँ पेटू का दबा देती हूँ पक्की। मेरी माँ नहीं पता कैसी थी मम्मी, माँ की आपकी माँ की बड़ी बेटी इतनी कमेरी, आगे तो नानी का जीवन सफल, उसने वो इतना काम कर देती थी। तभी तो उसको पढ़ाई में दिमाग नहीं था, बस कामों में लग गई वो। गाइस ने मौसी कितने साल से, कितने साल की उम्र से, 11 साल की उम्र से किचन में लग गई थी मौसी, एंड उसको खुद शौक था, फिर छोटी बहनों को फायदा हो गया। उसकी शादी का तो हमें पिलना पड़ा, फायदा कहाँ से हो गया। उसकी शादी का ममता करने लगी। कौन सी उम्र में शादी कर दी थी मौसी की? 19 की, 19 में लगी थी। ओ तेरी ओ मम्मी, राम। और ममता मौसी की? और मेरी हुई 23 में। ओ तेरी, और ममता देना शुरू कर देते, हुआ ही नहीं कोई रिश्ता। अब उसका रिश्ता नहीं हुआ, वो लेट हुई तो उसके चक्कर में मैं लेट हुई। मम्मी 23 साल में कोई लेट है? उस टाइम में लेट ही था। हाय राम, अब पता है क्या है लेट, 30+। 30 तक बंदा आम है, 30+ होती लगता है, हाय अब 30+ हो गई। शादी करो 30+ कसम से यार, मतलब वैसे वैसे बता रही हूँ, चीजें कितनी पलट गई है। बच्चे बड़े होंगे उससे दादा दादी की उम्र के होंगे। हाँ तो अब जैसे वो नहीं होता, मैं वो बता रही थी ना, वो जो लगती है सीढ़ियाँ पड़पोते पे, तो अब वो क्या, वो पोतों पे ही लगेंगी, पोतों पे पोतियों पे ही सीढ़ियाँ लगेंगी। सीढ़ी बननी बंद हो जाएंगी। हाँ मैंने कल आपकी एक 5-स्टार खा ली थी, तेरे लिए दी थी बहू रानी ने। क्या पता बहू रानी ने लिख के दिया था उस पे कि किसकी है, बायना किसको दिया था बहू रानी ने, तेरे को देती फिर वो। बहू रानी जी कमेंट करके बताइए 5-स्टार किसके लिए थी। बहू रानी जी 26 नवंबर को एक 5-स्टार का डब्बा ही भेज देना, चाची जी खुश हो जाएंगी। हाँ, ना चाची को ना चाहिए 26 नवंबर। मम्मी भाऊ से चांदी सिल्वर का ड्राई फ्रूट बॉक्स चाहिए। मम्मी वो रह दो, अभी हम सारे डच मिली कर सकते हैं, अभी हम सब गरीब हैं। सिल्वर बॉक्स यानी कि सिल्वर माने चांदी का ड्राई फ्रूट का बॉक्स चाहिए मुझे दिवाली। अब मम्मी को नई लत लगी है चांदी का, पे मैं टेबल पे ऐसे रखना चाहती हूँ ड्राई फ्रूट सर्व करने के। हाँ वो मेरी तमन्ना है। दिवाली के कितने दिन है, तो तब रुपए जोड़ ले मम्मी। आप और आपकी तमन्ना से मैं तंग हो गई, कोई हुआ नहीं हुआ। तमन्ना जब तक सोचोगे नहीं वो पूरी भी नहीं होगी बेटा। मम्मी आप तो सोच सोच के हैंड टू हैंड पूरी कर ही रही हो, आपको क्या है, वीडियो एक बनाती नहीं मम्मी, एक वीडियो नहीं बनाती। डब्बे में से मेवा निकाल के खाने का मजा ही अलग है दीक्षा।
चलो करते हैं कुछ जुगाड़ आपके लिए दिवाली से पहले। अभी पापा सुनेंगे ना, कहेंगे फिर खर्चेगी बात, फिर खर्चेगी बात। पापा को जरूरत क्या है सुनाने की, पापा तो मुझे एक रुपए की उम्मीद है नहीं, इसलिए मैं उनको कहती हूँ। मम्मी अब तो ये बात नहीं बोल सकते आप, क्यों आप क्या तीर लगे हैं, करवा चौथ को गिफ्ट मिला मुझे? वो तो होली पे भी नहीं मिलेगा। हाँ तो बस फिर तुम किस चीज की उम्मीद रखते हो मेरे से, बस माँ पीली रहे। देखो हम एक उम्मीद नहीं रखते, हमारे जन्मदिन निकल जाते हैं, चिल्ड्रंस डे निकल जाते हैं, डॉटर्स डे निकल जाते हैं, हमें एक गिफ्ट नहीं मिलता तो हम तो उम्मीद रखते ही नहीं। आप बता दो अभी मेरा बर्थडे गया, क्या गिफ्ट दिया है आपने मेरे को? हमारे बच्चे देंगे। हाँ अच्छा, संस्कार सीखो, वीडियो बनाओ। आपने दिया अपने माँ बाप को? हाँ। क्या दिया बताओ? ट्रेंड नहीं था, ट्रेंड नहीं। अच्छा पप्पी तुम सही बच रही हो। तुम क्या, तुम मुझे दोगे, बल्कि तुम्हें देनी चाहिए। तुम्हारे बच्चे जब वीडियो देखेंगे कि अरे हमारी मम्मी हमारी नानी को इतने गिफ्ट दिए थे, हम तो कुछ भी नहीं करते, फिर वो बच्चे तुम्हें देंगे। कुछ अकल डालो बच्चों में, वीडियो बना बना के दिखाओ उनको गिफ्ट दे के कि हम गिफ्ट दे रहे हैं, तो बच्चों तुम्हें भी आगे हमें। अभी गुल्लू को बुलाती हूँ, उसको वीडियो दिखाती हूँ, उसको अकल सिखा गुल्लू को, उसकी मम्मी के बर्थडे पर फायदा नहीं है ना, गुल्लू को अकल सिखा के वो देगी तो अपनी माँ को या तो मौसियों को दे, तो गुल्लू को वीडियो दिखाओ कि गुल्लू मौसियों को गिफ्ट देना है तूने। गुल्लू तुम्हारे बच्चों को लखन देगी मीटिंग करेगी कि चलो चुन्नी मुन्नी मम्मी अगले गिफ्ट लेके आते हैं गुल्लू क्योंकि सबसे बड़ी होगी, वो दीदी होगी सब दीदी। अब ये थोड़ा तेरी बहनों ने अकल नहीं दी तो तू वो भी नहीं देगी, तेरे तो छट छट के मिली है सारी। मम्मी मेरी बहनों ने अभी, हमने चार पांच साल पहले मीटिंग करके आपको ये गिफ्ट दिया, ये वाला फोन, ये पुराने वाला। हाँ ये नया दिया था, अब पुराना हो गया। क्या है अब चेंज करते दूसरा दो एप्पल का, ये क्या है, ये तो हो गया बेकार डब्बा। मम्मी भावेश और मैंने आपको वो दिया था एप्पल का 2 साल पहले, क्या हुआ था उसमें? बस हुआ कुछ नहीं था, फिर क्या करे अभी देखे, अब भी क्या हो जाएगा देखे। बॉक्स में दिखा मेरे ड्राई फ्रूट, जो कांच के बोर्ड के ड्राई फ्रूट है उसमें डलेंगे। हाँ ऐसे टेबल पे लगेंगे। ठीक है ठीक है, सिल्वर पॉलिश का ड्राई फ्रूट बॉक्स लाके मुझे बता दो कहाँ से मिलेगा, चांदी मैं परचेज करके मम्मी को गिफ्ट कर दूंगी। किसी का काम हो ना सिल्वर पॉलिश, पॉलिश है सिल्वर का। इतने सारे ज्वेलर्स हमारी वीडियो देखते हैं, सबके पास है ये, रेट का आइडिया लो, जाती हूँ जोड़ो, गंगा ज्वेलर जाती हूँ। गंगा वाला तारे का तेरे को पार। मम्मी का कोरियर आया तो झट ले आई नीचे से जाके, झट दौड़ी दौड़ी, क्या पेटीएम करना है, पैसे कोरियर के। फ्रेंड्स ये मंगाए मैंने फेस्टिवल के बोर्ड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होते हैं। इसमें क्या है, जैसे कोई भी त्योहार होता है, दशहरा और अष्टमी और द्वास, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो व्लॉगिंग का तरीका ना, लाइटें जलाई, अभी बोला था लाइटें जला के ढंग से, चार्जिंग लगी हुई है, चार्जिंग की तार खींचेगी, पापा गुस्सा होएंगे, पर नहीं ऐसी व्लॉग बनाना है, बस टाल मारनी है गाइस आप लोगों के लिए। राखी जी क्या करती है, टाल मारती हैं, अभी बोला लाइट जलाओ, नहीं लाइट नहीं जलेंगी, मम्मी हिल के थोड़ी सी लाइट ही जला लो। और किसी को राखी जी का फोन मिले तो इसके पीछे पैसे जरूर मिलेंगे आप लोगों को। राखी जी तो मिल जाए किसी को, मिल राखी जी तो मिली मिलाई राखी जी, हंडा हंडोई पीतमपुरा में मेला लग रहा है, राखी जी वहीं पे मिलेंगी रात को। कौन से वाला मेला लग रहा है? राजस्थान टीवी टावर पीतमपुरा आना है अपने रत्नागर मेले में 26-27 को। हम उसमें रजाई भी लगाएंगे, बेडशीट एक स्टॉल में हम पता नहीं क्या क्या लगाएंगे। दिवाली की शॉपिंग सब मेरे यहाँ से ही कर लेना, अभी किसी को दिवाली मत देना, 26-27 के बाद देना सारी शॉपिंग मेरे से करके, फिर उसमें से गिफ्ट देना है। देखो अपना काम है ना, तो फटफट कर रही है, दौड़ के नीचे से ले भी आई। तेरे से कहा था तू गई, मैं तो जा रही थी। इसमें आवाजें कैसे आ रही है, वही पसंद नहीं आ रहा, आवाजें कैसे आ रही है, ये तो रहा। हाँ पता है मुझे, हट जाएगा आगे करूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये वही स्क्रीन मंगवाई है मैंने, जैसे हम दीवार पे लगाते हैं ना, ये बोर्ड को रख देंगे इसको लगा करके। और इसके साथ ये देखिए, ये मंगवाया मैंने गोवर्धन, ये रेडीमेड गोवर्धन, बढ़िया लग रहा है तो। ये भी गोवर्धन है सेम पीस, ये भी गोवर्धन है। और फ्रेंड्स ये मंगवाया मैंने अपने लिए दशहरा, ये देखिए
जैसे ये 10 सर्कल लगाते हैं ना, इसमें वो लगाते हैं गोबर की पिंडी, तो आप चाहो तो आटे की भी लगा सकते हो। ये देखो तो फ्रेंड्स, जिसके यहाँ ओरदुआस होती है, ये ओरदुआस का बोर्ड है, ये देख लीजिए आप। और ये है दशहरा, जो ये 10 वो रखते हैं ना, गोबर की वो पिंडी जो रखते हैं वो इसके ऊपर सर्कल के ऊपर रखी जाती है। हाँ, और इसके साथ ही ये नहीं, ये तो अष्टमी है, ओ सॉरी अष्टमी, ये हो ही अष्टमी है, ये है ओरदुआस। ये देखिए, ये है ओरदुआस के, ये जिसके यहाँ भी ओरदुआस होती है, हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ नहीं होती है। ये बढ़िया लग रहे हैं प्यादे। और ये दशहरा दिखा दिया, ओरदुआस दिखा दी, और क्या दिखाना था, किस किस का है भाई सामान सारा? ये सनील का, ममता का, सविता का, मेरा। ये देखिए, ये है गोवर्धन, जिनके अभी गोवर्धन होता है, ये गोवर्धन है। वही अष्टमी दिखा दी ना मैंने, ये रही वही अष्टमी, ये जैसे वही अष्टमी है उसका बोर्ड लगाएंगे। पर ये लगेगा कैसे, मुझे समय ये नहीं आ रहा। गाइस, मम्मी को समझ नहीं आ रहा कि इसमें ये घोड़े वोड़े कहाँ पे कैसे एडजस्ट होंगे, तो किसी को पता है तो ज़रूर हमें बताना कि ये कैसे एडजस्ट होंगे। हाँ, गोवर्धन एक ही मंगवाया था और एक दशहरा, ठीक है, आ गई है तेरी चारों चीजें। मौसी को बोलो किसी को भेज के मंगा ले। तेरे को काट का इंतजार करिए, क्यों खरीद ली? ओहो मौसी, मम्मी चाय कहाँ गई? मम्मी बची है, बची है, जल गई होगी, राख हो गई होगी, राख हो गई। तेरे को यही काम है, एक चाय भी तेरे बची नहीं है बनानी। मम्मी तुम्हें पता था मेरे बस की का, मेरा हाथ जल गया तुम्हारे चक्करों में। अब कुछ नहीं बोलेंगी, पूरी चाय आई है। मेरी फुली फुली पूरिया। बेटे की सब्जी खत्म हो गई है फ्रेंड, जब दहले की चाय नहीं बनाई है इसने, गंदी दीक्षा, थोड़ी बहुत तो ढंग से चाय बनाना सीख लेती। दीक्षा बनाई, टाइम हो रहा 5, आज जा रहे हैं जिम, एंड वृति के घर के नीचे खड़ी हुई हूँ। वृति आएगी और पैदल पैदल जाएंगे, क्योंकि ना वृति की स्कूटी अवेलेबल है, शायद निशु दी को लेके जानी है, एंड ना मेरी स्कूटी अवेलेबल है, तो घूमेंगे पैदल, वॉक एंड टॉक विद वृति अरोड़ा एरोबिक्स। टाइम हो रहा है फिलहाल, पता नहीं कितना घड़ी भी पहनी है आज, तो काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि आप घड़ी क्यों दिखाते हो दीक्षा, तो मैं घड़ी इसलिए दिखाती हूँ टाइम बताने के लिए कि इस टाइम ये हुआ, इस टाइम ये हुआ। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ वृति के घर के नीचे, क्योंकि आंटी को करवाने अपने सूट स्टिच हैवी, तो आंटी को मैं लेके जा रही हूँ पंजाई बाग तनुदी के पास, तो चलते हैं सूट स्टिच कराते हैं। एंड तनुदी ने वैसे मम्मी को भी बुलाया था दिवाली आउटफिट के लिए, बट मम्मी आज बिजी थी तो जा नहीं पाए, तो चलो चलते हैं वृति के यहाँ। ये वापस ले आए, वापस दे के आना है। टाइम हो रहा है 8:50। इससे थोड़ा डिफरेंट दे दूंगी, इसकी भी पिक्चर ले लेती हूँ मैं, आपको जो मैं बनाऊंगी वो उससे थोड़ा सा मिलता जुलता। आंटी का सूट रिवील हो रहा है व्लॉग में। वृति मैम चले, पता 2 महीने से अंदर पड़े हो लेके ओके तनु दी, मिलते हैं आपसे दोबारा, मम्मी को लेके आती हूँ। ठीक है, जल्दी इसी हफ्ते में रेडी करवा। ये लोग हमें थैंक्स बोल रहे हैं रात के 11 बजे, मैंने बोला 1000 रुपीज दे देना, थैंक्स मत बोलो कमाई करनी है बेटा, बनिए बनिए बिजनेस, एवरीवेयर बिजनेस बिजनेस। अबे वो पागल है क्या?
सो गाइस फिलहाल करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, एंड आज कुछ ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि आज एज इन कुछ था नहीं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं तो आजकल मतलब सारी चीज़ें रेडीमेड आने लगी, रेडीमेड दशहरा आने लग गया, काऊ डंक भी नहीं मिलता, मतलब गोबर नहीं मिलता कहीं पे भी, तो आगे आगे चीज़ें बहुत चेंज होने वाली हैं और चेंज हो भी चुकी हैं एंड मुझे लगता है कि विद टाइम जो चेंजेस आए उनको अडेप्ट भी कर लेना चाहिए तो बढ़िया रहता है। तो मम्मी ने दशहरा भी मंगा लिया है एंड बाकी मम्मी ने काफ़ी चीज़ें मंगाई हैं, मौसी ओरी की भी मंगाई है तो सही रहता है चलो। एंड आंटी को अपने सूट स्टिच कराने तो मैं उनको तनुदी के पास लेके गई थी तो आंटी अभी फ़िलहाल अपना एक सूट स्टिच करा के देखना चाहती हैं एंड करते हैं इस फ्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट फ्लॉग में। एंड दिवाली आ रही है तो आगे के डेज बहुत बिजी होने वाले हैं क्योंकि आना जाना चलता रहेगा। मीनू जी किसी ने कमेंट किया था कि मीनू जी के यहाँ नहीं जाना आपको, तो मीनू जी के यहाँ पे भी जाएंगे हम डिसाइड कर रहे थे कि हम कौन से डे मीनू जी के घर जाएँ, तो मीनू जी के घर जाएंगे साथ में मैं नकुल के साथ, शायद सोनिका मेनन प्रिया के घर भी जाऊँगी और पापा के फ्रेंड्स के घर हम ऑलमोस्ट होए आए हैं और एक दिन हम लोग प्लान कर रहे हैं पल्लवी दी के घर दिवाली पार्टी, हाउस पार्टी, तो देखते हैं पल्लवी दी के लिए क्या लेके जाएंगे। तो सारी चीज़ें चल रही है, लेट्स सी।